खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। भारतीय जनता पार्टी सारंगी मंडल में कई वर्षों से बिना कार्यालय के ही कार्य किए जा रहे थे, लेकिन संगठन ने जब ये सारंगी ग्रामीण मंडल बनाया, नए मंडल अध्यक्ष के रूप में सुखराम मोरी को मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया, तब से सारंगी मंडल में बड़े बड़े स्तर पर भाजपा के कार्यक्रम होने लगे और यहाँ के कार्यकर्ताओं को कार्यालय की मांग हमेशा रहती थी, जिसे मंडल अध्यक्ष ने जरूरी मानते हुए स्थापना दिवस पर ही अपने कार्यकर्ताओं को 6 अप्रैल को कार्यालय का शुभारंभ कर अपने कार्यकर्ताओं को कार्यालय की सौगात दी, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री संगीता सोनी, जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक ने फीता काट कर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सुखराम मोरी, रायपुरिया मंडल अध्यक्ष शांतिलाल मुनिया, नवीन चंद्र सिंह राठौर, कृष्णपाल सिंह राठौर, रमेश गुजर, सुरेश परियार, जितेंद्र गहलोत सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पहला नंबर का कार्यालय बनने के लिए, उद्घाटन के लिए तैयार है। मतलब हर मंडल स्तर पे कहीं पर अभी तक कोई भी मंडल का कार्यालय नहीं बना, और पहला ही कार्यालय का हम दूसरा कार्यालय का हम उद्घाटन करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को आज के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर हमारे इस जिले के मुखिया सम्माननीय नायक साहब, उपस्थित हमारे नवीन सिंह जी गोरायकर साहब, उपस्थित हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष कृष्णपाल जी, उपस्थित हमारे एक और पूर्व मंडल अध्यक्ष रमेश जी, उपस्थित हमारे वर्तमान के मंडल अध्यक्ष झाबुआ से गोपाल राठौर की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।